हादसा ये हुआ कि जैसे कि ये बता रहे हैं कि ऊपर की जो वायर है ना, वायर टचिंग के कारण स्पार्क हुआ है, और जैसे कि इसमें लाखों का माल दिख रहा है, मेरे साइकिलों का माल है, और ये तो पब्लिक का शुक्रिया अदा है कि हमने साथ मिल के माल को उतारा, इतना फायर ब्रिगेड आई, तो यहाँ से पाइप वगैरह भी लाई सबमर्सिबल की, तो जिसकी वजह से आग पे थोड़ा काबू पाया गया। कैसा अंदाजन है, कितना का नुकसान जो है वो माना जा रहा है? अंदाजा देखो, इसको कह तो सकते नहीं कुछ, लेकिन हमारे एस्टीमेट से जो साइकिलों का माल है इसके अंदर तकरीबन 40-50 लाख के आसपास होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो आग पे काबू पा लिया गया? आग पे काबू पा लिया गया, और उसके बाद फायर ब्रिगेड भी आ गया जो अपना कार्य कर रही है। कहाँ के रहने वाले हो? मौका माजरी। कैसे हादसा हुआ ये? क्या ये गाड़ी घुमा रहे थे, वायर टच हो गई है। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ, क्या माल था और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये साइकिल है, लुधियाने से लौट रहे तमिलनाडु जा रहे थे। अच्छा, तो यहाँ हादसा किस तरीके से हुआ, कैसे हादसा हुआ? बस तार टच हो गई, आग पकड़ गई है। अच्छा, कितने नुकसान मानते हो आप? क्या मेरा बिल पे वैल्यू के हिसाब से पता चला होगा तो फैक्ट्री में। हाँ जी, फाइव ब्रिगेड में। आप पे काबू पा लिया गया? हाँ, पा लिया। जांगड़ा है मेरा नाम। कैसे हादसा हुआ ये? हादसा ये हुआ कि जैसे कि ये बता रहे हैं कि ऊपर की जो वायर है ना, वायर टचिंग के कारण स्पार्क हुआ है, और जैसे कि इसमें लाखों का माल दिख रहा है, मेरे साइकिलों का माल है, और ये तो पब्लिक का शुक्रिया अदा है कि हमने साथ मिल के माल को उतारा, इतना फायर ब्रिगेड आई, तो यहाँ से पाइप वगैरह भी लाई सबमर्सिबल की, तो जिसकी वजह से आग पे थोड़ा काबू पाया गया। कैसा अंदाजन है, कितना का नुकसान जो है वो माना जा रहा है? अंदाजा देखो, इसको कह तो सकते नहीं कुछ, लेकिन हमारे एस्टीमेट से जो साइकिलों का माल है इसके अंदर तकरीबन 40-50 लाख के आसपास होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो आग पे काबू पा लिया गया? आग पे काबू पा लिया गया, और उसके बाद फायर ब्रिगेड भी आ गया जो अपना कार्य कर रही है। फायर ब्रिगेड से ड्राइवर मिली थी क्या? हमको सूचना मिली थी कि अमरगढ़ गामड़ी में लाल कोठी के सामने गाड़ी में आ गया, और अज्ञात यहाँ आके पता चला है कि भी कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तो आग पे काबू पा लिया? आग पे काबू पा लिया गया। हाँ, आग बुझ गई है। मौका माजरी। कैसे हादसा हुआ ये? क्या ये गाड़ी घुमा रहे थे, वायर टच हो गई है। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ, क्या माल था और कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये साइकिल है, लुधियाने से लौट रहे तमिलनाडु जा रहे थे। अच्छा, तो यहाँ हादसा किस तरीके से हुआ, कैसे हादसा हुआ? बस तार टच हो गई, आग पकड़ गई है। अच्छा, कितने नुकसान मानते हो आप? क्या मेरा बिल पे वैल्यू के हिसाब से पता चला होगा तो फैक्ट्री में। हाँ जी, फाइव ब्रिगेड में। आप पे काबू पा लिया गया? हाँ, पा लिया। जांगड़ा है मेरा नाम। कैसे हादसा हुआ ये? हादसा ये हुआ कि जैसे कि ये बता रहे हैं कि ऊपर की जो वायर है ना, वायर टचिंग के कारण स्पार्क हुआ है, और जैसे कि इसमें लाखों का माल दिख रहा है, मेरे साइकिलों का माल है, और ये तो पब्लिक का शुक्रिया अदा है कि हमने साथ मिल के माल को उतारा, इतना फायर ब्रिगेड आई, तो यहाँ से पाइप वगैरह भी लाई सबमर्सिबल की, तो जिसकी वजह से आग पे थोड़ा काबू पाया गया। कैसा अंदाजन है, कितना का नुकसान जो है वो माना जा रहा है? अंदाजा देखो, इसको कह तो सकते नहीं कुछ, लेकिन हमारे एस्टीमेट से जो साइकिलों का माल है इसके अंदर तकरीबन 40-50 लाख के आसपास होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो आग पे काबू पा लिया गया? आग पे काबू पा लिया गया, और उसके बाद फायर ब्रिगेड भी आ गया जो अपना कार्य कर रही है। ठीक है।